आज हमें डिस्कस करना है कि डिजिटल मार्केटिंग में व्हाट इज द रोल ऑफ वेबसाइट, हाउ इट कैन हेल्प अस टू अट्रैक्ट पीपल टू मार्केट आवरसेल्व्स एंड हाउ वी कैन क्रिएट इट। अभी हम में से कितने लोगों के पास वेबसाइट है? हम में से किसी के पास वेबसाइट है? नहीं है सर। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। तो आज वेबसाइट पे आगे बढ़ते हैं। नहीं है तो ग्रेट, एक भी यस नहीं है तो अच्छी बात है। आज वेबसाइट समझने के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है अपने पास। ओके, चलिए बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। जहां आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आया, प्लीज मुझे रोक के पूछना ताकि ये टॉपिक आपका पक्का हो जाए। तो इम्पोर्टेंट सर, हम वेबसाइट क्रिएशन के बारे में बात करेंगे या यूटिलिटी, और फिर क्रिएशन का भी एक पार्ट आज कर ही लेंगे। ठीक है, आउटलाइन हम आज कर लेंगे जितना आज पॉसिबल होगा। फिर इन डिटेल जब भी है, वेबसाइट का एक कोर्स चलता है, हमारा क्रैश कोर्स चलता है जो 15 या 20 दिन का होता है, अल्टरनेट डेज पर क्लासेज हैं, तो उसमें वेबसाइट पूरी कम्प्लीटली बना लेते हो आप। इम्पोर्टेंस ऑफ अ वेबसाइट इन बिजनेस इज व्हाट आज हम करने वाले, व्हाट इज अ वेबसाइट, रोल ऑफ वेबसाइट इन आर बिजनेस एंड व्हाट अ गुड वेबसाइट शुड हैव एंड हाउ टू क्रिएट वन फॉर आवरसेल्व्स। यस, वो सिंगम जी अभी बात करेंगे, हम सारी कॉस्ट की भी बात करेंगे कि कैसे बनती है। सो दीज फोर थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर, सो लेट्स बी रेडी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, है क्या पहले, व्हाट इज दिस? सबसे पहले ये समझें क्या है, तो रादर आई एक्सप्लेन यू, सो आई जस्ट वॉन्ट टू हैव योर आइडियाज। आप क्या समझते हो कि व्हाट इज अ वेबसाइट? यस प्लीज। हम रोज काम करते हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हम देखते हैं, वेबसाइट्स देखते हैं, सो एनीबडी ऑफ अस, शुड आई प्लीज। या गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम गौरव गर्ग दिस साइड। बेसिकली एज फार एज माय नॉलेज कंसर्न अबाउट वेबसाइट, इट्स अ वर्चुअल वर्चुअल शॉप, आई थिंक इट्स अ वर्चुअल एड्रेस वेयर एनीबडी कैन विजिट एंड जस्ट हैव अ लुक अबाउट अवर बिजनेस, व्हाट वी आर सेलिंग, व्हाट वी आर ऑफरिंग। ओके, एंड so that I think that's it, that is all about my idea about the website. That's great. Nice sir. So you tried and explained a lot part of this. Just a minute, anybody else, is there anybody else who want to share their ideas, their opinion? In case you want, please put, otherwise I should go ahead. It is a complete detail of a company. Wow, great, wonderful, bahut badhiya. ग्रेट, थैंक यू। सो जैसा दोनों ने बताया था, वेबसाइट का मतलब है, अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक बिजनेस रन करते हैं, बहुत लेमेन लैंग्वेज से समझें, बिजनेस रन करते तो वी वुड रिक्वायर एक जगह, एक प्लेस, एक एड्रेस जहां पर हम अपनी शॉप, अपना शोरूम, अपना गोडाउन, अपनी कंपनी, अपनी फर्म, अपनी बिजनेस जहां भी रन करेंगे, वेयर हाउस, एनीथिंग, कोई फिजिकल पीस ऑफ लैंड होगा। उस फिजिकल पीस ऑफ लैंड पे हम क्या करने वाले हैं, वेदर दैट पीस वुड बी योर ओन प्रॉपर्टी और इट मे बी अ रेंटेड प्रॉपर्टी, पीस ऑफ लैंड, एंड ऑन दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड यू हैव टू क्रिएट सम प्रेमिसेस, यानी कोई बिल्डिंग होगी, कोई शेड होगा, कोई शॉप होगी, कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, या वो दोनों चीजें आपको इकट्ठी मिली हो सकती हैं, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों। अभी मेरी वॉइस आ रही है? यस, मैं रिपीट करता हूं गौरव जी, अगर मेरी वॉइस स्टक कर रही है तो। जब हम फिजिकल बिजनेस करते हैं तो हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक लैंड, एक उस पर कंस्ट्रक्शन, दो, और कंस्ट्रक्शन किए हुए में हमें फिर वहां अपना सारा सामान जमाना पड़ता है, सारा सामान जमाना पड़ता है। एक उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक फिक्स एड्रेस होता है, एड्रेस, लैंड एंड बिल्डिंग, तीन चीजें चाहिए होती हैं फॉर अ फिजिकल बिजनेस। इन द सेम वे, इफ वी ओपन आवर ऑफिस ऑनलाइन, देन वी वुड रिक्वायर सम लैंड, सम कंस्ट्रक्शन ओवर इट एंड वन एड्रेस ओवर इट। बस तीन चीजें हमें समझ में आ जाए,
तीन फिजिकल में चाहिए थी, वही तीन चीजें हमें वर्चुअल वर्ल्ड में चाहिए। तीसरी दुनिया इंटरनेट की दुनिया में भी आपका ऑफिस अगर एस्टेब्लिश करना है तो वो भी वैसा ही होगा जैसे ऐसे है, ये फिजिकल है ये वर्चुअल है, चीजें यहाँ तीन है यहाँ भी तीन है। अब ये तीन कैसे बनती हैं, क्या है, ये सब हम समझते हैं अभी आगे। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया कि तीन चीजें हमारी। अ कनेक्टेड ग्रुप ऑफ पेजेस क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एंड पुट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी वर्चुअल दुनिया में हमने अपनी बिजनेस के कुछ पेजेस क्रिएट किए और वो विजिबल पेजेस, वो डिजाइन पेजेस हमने एक जगह कनेक्ट करके रख दिए, वो हमारी वेबसाइट कहलाई, वो हमारी वेबसाइट कहलाई। अ वेबसाइट इज अ ग्रेट मार्केटिंग टूल, जैसे आप अपने ऑफिस में बड़ा बोर्ड, साइन बोर्ड लगा देते हो और साइन बोर्ड आपकी बिजनेस का एक मार्केटिंग टूल हो जाता है, द सेम वे आपका वेबसाइट आपकी वर्चुअल वर्ल्ड में एक बड़ा मार्केटिंग टूल है। इट रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस ऑन द इंटरनेट, ये पूरी वर्चुअल वर्ल्ड में आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल है, मोस्ट इंपोर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग चैनल। दुनिया में अगर फिजिकली आपकी बिजनेस को किसी को ढूंढना है तो उसको आपके एड्रेस पे आना पड़ेगा, द सेम वे अगर वर्चुअल दुनिया में कोई आपको ढूंढेगा तो उसे आपकी वेबसाइट ही बताएगी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आपको दुनिया में कोई सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट ही आपके बारे में उसे बताएगी। फिजिकल जो एड्रेस है उसमें लोग आपको फोन करेंगे तो आपका पता चलेगा, पर वर्चुअल वर्ल्ड में फोन करने की जरूरत नहीं है। जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में शायद आपके फिजिकल ऑफिस में अवेलेबल ना हो उससे ज्यादा आपके वर्चुअल वर्ल्ड में वेबसाइट पर रखी होती है। और जब सारी इंफॉर्मेशन एक आदमी को ऑनलाइन एक सिंगल क्लिक सर्च पर मिल जाए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लोगों को अपने बारे में बताने का, लोगों को पर्सुएट करने का, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो अब वेबसाइट पता चला जिसमें हम अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन रख देते हैं, वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हमारी वेबसाइट कहलाती है। साइट का मतलब जगह, वेब का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर मेरी अपनी साइट वेबसाइट कहलाती है, दैट्स इट। अब ये तीन चीजें क्या होंगी वो आगे चल के जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे वेबसाइट का तब हम बात करेंगे। अब ये है क्या क्या और इसके फायदे क्या है। इट इज फेस ऑफ योर बिजनेस, ये आपकी बिजनेस का चेहरा है ऑनलाइन वर्ल्ड। बिजनेस का चेहरा कैसे है, अभी मैं अपनी वेबसाइट को अगर मुझे आप ढूंढेंगे दुनिया में, हमारी अपनी आइडेंटिटी को अगर आप दुनिया में ढूंढोगे तो ये हमारी वेबसाइट है। आप कहीं भी पीपल ट्रेनर लिख दो, पीपल ट्रेनर्स ये लीजिए, ये दुनिया में से हमें ढूंढ लाएगा। ये देखिए पीपल ट्रेनर्स, ये हमारा एड्रेस है, हम करते क्या हैं, ये हमारी वेबसाइट है। ये देखिए साइट में सारे पेजेज आ गए हैं, आप हमारे बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ लेना चाहते हो सब बिना कोई पैसा खर्च किए, हमारे बारे में सारी की सारी सूचनाएं आपको यहाँ उपलब्ध हैं। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कोर्स हमारे बारे में, ऑफलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड लेसन, रिकॉर्डेड वेबिनार, हमारी टीम में कौन कौन है, हमने आज तक किया क्या है, फ्री बुक्स, प्राइवेसी पॉलिसी, यानी जो कुछ हमारे पास है वो सब हमने लगभग इस पर रख दिया। तो अब ये हमारे बारे में आपको एक सिंगल क्लिक, पीपल ट्रेनर सर्च किया और आपको हमारे बारे में सारी सूचनाएं मिल गई। वीडियोस देखने, अबाउट पीटी चाहिए, कॉरपोरेट, फ्री बुक्स, एजुकेशन, डिजिटल मार्केटिंग, जो कुछ आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं वो सब ये आपको देगा। तो है ना कमाल की चीज, यही काम हम अपने लिए अब सब कर सकते हैं, यानी जो काम हमने किया वो आज आप यहाँ से सीख के खुद अपने लिए कर सकते हो। ऑनलाइन वर्ल्ड में वेबसाइट आपको रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, आपको लोग ढूंढेंगे कैसे, आपको लोग ढूंढेंगे आपकी वेबसाइट से, सर्च मार के, ऑनलाइन सर्च मारोगे, आपका नाम, आपका नंबर वहाँ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करेगा,
आपका लिंक आ जाएगा, लोग उस पर क्लिक करेंगे और ओपन करके वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये आपकी एक यूनिक आईडी है और बिल्कुल यूनिक है। एक वेबसाइट जैसी दूसरी वेबसाइट दुनिया में नहीं हो सकती और एक नाम से दूसरी वेबसाइट नहीं हो सकती, सेम नाम से दूसरी वेबसाइट नहीं हो सकती। तो एक नाम ही जब दुनिया में एक वेबसाइट पर होगा तो आपको कोई कहीं से भी ढूंढ लेगा, वर्ल्ड वाइड ढूंढ लेगा। तो ये आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी है। अब ये काम क्या करती है, देखो ये काम करती है, लोगों को खींच खींच के लाती है आपकी तरफ, खींच खींच के लाएगी, यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, ईमेल, जहां भी आपने अपना नाम रख दिया, जहां भी आपने अपनी एड चला दी, वहां आपने लिंक लगा दिया नीचे अपनी वेबसाइट का, तो लोग अधिक जानकारी के लिए, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, दे विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक एंड दे विल बी लैंडेड डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट। वो डायरेक्ट आपकी वेबसाइट पर लैंड होगी और फिर लैंड होने के बाद वो सारी सूचनाएं आपकी देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई हुए तो आपसे सर्विसेज भी लेंगे, नहीं हुए तो आपके ब्रांड की अवेयरनेस हो रही है। ये एक इनबाउंड टूल होता है, वेबसाइट इज एन इनबाउंड मार्केटिंग टूल। अब ये इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग टूल क्या है? आउटबाउंड मार्केटिंग टूल है जब आप लीड्स को, आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताते हो, आप लोगों को बुलाते हो, अपने बारे में लोगों को बताओ और उनको अट्रैक्ट करके बुलाओ, दैट इज आउटबाउंड। एक है लोग आपको ढूंढते हुए आते हैं, वो है इनबाउंड। लोग जब आपको ढूंढे उसको इनबाउंड कहते हैं। तो वेबसाइट को लोग ढूंढेंगे आपकी, अगर आपके बारे में कहीं से कुछ सुना है, जाना है या सर्च में आए हो तो लोग ढूंढेंगे आपको, और जब लोग ढूंढ के आपको चेज करते हैं तो वो इनबाउंड टूल कहलाता है मार्केटिंग का। तो ये आपका एक इनबाउंड टूल है जो मैग्नेट की तरह लोगों को अपनी तरफ खींचता है। और दुनिया की सर्वे ये कहती है कि 57% ऑफ बिजनेसेस हैव एक्वायर्ड अ कस्टमर थ्रू देयर कंपनी वेबसाइट एंड ब्लॉग। बहुत अच्छी परसेंटेज जो है कंपनी वेबसाइट या ब्लॉग से या लैंडिंग पेज से लोग अट्रैक्ट करते हैं। कंपनीज दैट ब्लॉग गेट 50% मोर वेब ट्रैफिक। और जो कंपनियां अपने वेबसाइट पर ब्लॉगिंग करती हैं उनको ज्यादा वेब ट्रैफिक मिलता है। और इनबाउंड मार्केटिंग जो है वो 62% सस्ता है आउटबाउंड मार्केटिंग से। सबसे ज्यादा खर्चा आउटबाउंड मार्केटिंग में होता है, इनबाउंड मार्केटिंग में आपका कोई खर्चा नहीं होता, लोग खुद ढूंढ के आपको ढूंढ लेते हैं। अच्छा, ये आपको बहुत स्टैटिस्टिक्स देगा वेबसाइट, ये भी बताएगा कि आपके वेबसाइट पे कितनी लोग आए और कितने लोगों ने मतलब एनालिटिक्स देगा, कितनों ने आपकी वेबसाइट देखी, कितने पेज देखे, कितनी देर तक रुके। ये मैं बताता हूँ अपनी वेबसाइट आपको दिखा के, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एनालिटिक्स कैसे देता है। ये देखिए, ये अपनी वेबसाइट है हमारी और इसमें पूरी एनालिसिस हमें मिलती है। ये देखो साइड में 30 सितंबर को किसने लॉगिन किया, ये देखिए पूरी एनालिसिस मिल रही है हमें। ये देखिए कौन से सितंबर को कौन किसने ज्वाइन किया, उसने कोई ऑर्डर दिया, कोई पैसे वहां आप खर्च किए, ऑनलाइन कोई सेल की, ये सारी डिटेल्स वो यहाँ आपको देगा। सर हमको ये इंफॉर्मेशन मिलता है क्या, कोई कस्टमर आके कौन सा पेज पे व्यू कर रहा है? Yes, ताकि absolutely, ये भी मिल सकता है आपको, कौन से पेज पे व्यू कर रहा है, कितनी देर रुका है, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या देख के गया है, ये भी एनालिसिस आपको देता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट को उस लेवल का बनाया है तो एब्सोल्युटली वो एनालिटिक्स देगा। अब यहां आप देखिए, ये साइट सेशंस 404 सेशन हुए हैं और यस्टरडे कल 8 लोगों ने देखा है, टोटल 12 लोगों ने देखा यहाँ और 8 बुकिंग हो गई है। आज कोई बुकिंग नहीं है, कल भी कोई बुकिंग नहीं थी,
और इतने रुपए की बुकिंग ये अभी हुई है रिसेंटली, ये देखो ये सारी एनालिसिस आपको यहाँ मिल रही है। लास्ट 30 डेज की ले लो, 60 डेज की ले लो, 90 डेज की ले लो, एवरीथिंग वुड बी देयर। और अगर ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड यहाँ सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। कितने लोग मेरी सब्सक्राइब लिस्ट में जुड़ गए हैं, साइट मेंबर कितने हो गए, ये देखिए साइट मेंबर कितने हैं। ये लीजिए सारे मेंबरशिप डिटेल्स ला देगी आपको, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, सारे आपके पास अवेलेबल हैं। कितने घंटे तक ये व्यू हुई है, कितने घंटे तक आपके वीडियो व्यू हुए, एवरीथिंग सारे एनालिटिक्स आपको मिलेंगे। तो आपके पास पता चल जाता है कि मुझे कितने लोग रोज देख रहे हैं और कितने लोग मुझे वहां खरीद रहे हैं, मेरा ऐसा कौन सा पेज है जिसे ज्यादा खरीदा जा रहा है, ज्यादा देखा जा रहा है, ऐसा कौन सा पेज है जिसे कोई देखता ही नहीं है, उसे हटा के मैं और अट्रैक्टिव बनाऊं, तो ये मैं कर सकता हूं। तो एक तरीका हमारा ये है कि हम ये इसे एनालिटिक्स के लिए यूज करें, ताकि हम अपने कस्टमर्स की इनबाउंड प्रोस्पेक्ट्स की नब्ज को जान सके। एक अच्छी वेबसाइट जो है वो हमारे व्यूअर्स को एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट देती है, और जो के अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन योर टारगेट क्राउड विच मे बी कस्टमर्स एट टाइम। आज अगर उनको सेंस ऑफ इंटरेस्ट मिला, उनको उनको मजा आया, उनको देख के अच्छा लगा, तो आज नहीं कल वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे। वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी देती है, जिन लोगों की वेबसाइट है वहां पर कस्टमर्स के रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, उससे लोगों में क्रेडिबिलिटी बनती है कि ये लोग ठीक हैं, काम कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं है, और इनसे पहले भी लोगों ने काम लिया है। अगर ऐसी बातें हैं तो वो आदमी को थोड़ा विश्वास जागृत होता है, तो ये आपके गुड इंप्रेशन देती है क्रेडिबिलिटी का। इट गिव्स द इंप्रेशन दैट योर कंपनी इज बिगर एंड मोर सक्सेसफुल देन इट मे एक्चुअली बी। अब एक और फायदा इसका ये है कि ये रीच मैक्सिमाइज करती है। पूरी दुनिया में आज 7 अरब लोग हैं, यानी इतनी पॉपुलेशन है, जिसमें से 1,10,000 बर्थ जो है हर दिन होती हैं, और एक साल में इतने लोग पैदा होते हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन में आपको जैसे ओसीन में एक बबल हुआ, एक ड्रॉप हुई, उस ड्रॉप को कैसे ओसीन के लोग जानेंगे, ये बहुत आसान है एक वेबसाइट से, जहां पूरे ओसीन में आपकी भले एक बबल है, पर उस बबल को पूरे ओसीन में से कोई कहीं से भी सर्च मारेगा तो फट से बबल आउट हो जाती है, फट से बबल आउट हो जाएगी। कोई ड्रॉप बबल आउट हो जाए, हर आदमी कभी भी अपनी कन्वीनियंस पे सर्च मारे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है वेबसाइट से। इसके और भी क्या एडवांटेज हैं, इट अलाउ यू टू सी हाउ मेनी विजिटर्स आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और बिजनेस, इट अलाउज यू टू एडवर्टाइज योर बिजनेस और प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग ऑन योर साइट ऑन द इंटरनेट इज चीपर देन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। इट कैन बी यूज इन कंजंक्शन विद अदर मीडिया, इसे किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, लिंक्डइन के साथ, किसी के साथ आप जोड़ सकते हो। और सबसे बढ़िया फायदा 24 hours 7 days 3 और पूरा 52 weeks, कभी भी 24 hours पूरे साल में कोई भी क्लिक करे और उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी, इसका सेटल कभी नहीं गिरता, ये हमेशा ओपन रहती है। कस्टमर्स इस पर आपके फीडबैक दे सकते हैं, जेन्युइन फीडबैक आ सकता है आपका, यानी और अगर किसी से आपका बिजनेस कार्ड खो जाए तो वो ऑनलाइन आपको सर्च कर सकता है, इतना बढ़िया ऑप्शन है। इट पोर्ट्रेज योर कंपनीज लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आप कैसे काम करते हैं ये बात ये ऑनलाइन बताती है, और ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, इससे आप सर्वेज कर सकते हो, पोल्स कर सकते हो, इतने सारे फायदे हैं। इस पर ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, जैसे ये हमारी वेबसाइट आप देखेंगे, यहां से आप पीपल ट्रेनर सर्च किया,
हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज कर लो आप, हैसल फ्री परचेज है। यहाँ से आप बुक नाउ करो, देखो बुक नाउ किया, जितनी इंफॉर्मेशन हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको नहीं बताएगा उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये आपको दे देगा। ये पूरी क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, कितनी क्लासेस होंगी, जूम पर होंगी, रिकॉर्डेड लेसन होगा, टेलीफोनिक सपोर्ट होगा, मनी बैक गारंटी है, ऑनलाइन बुकिंग करो, इतना पैसा है, ये अकाउंट मैनेजर है और इस डेट को शुरू होगा, इस डेट को ख़त्म हो जाएगा और पूरी क्लासेस के शेड्यूल, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, ये देखिए माई गॉड एवरीथिंग इज देयर। जो क्लास होगी वो भी वहाँ उसने बता दी। अब हमें और क्या बचता, फिर जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी एवरीथिंग इज देयर, इन केस वी गॉट सेटिस्फाइड वी हैव टू क्लिक ऑन बुक नाउ, और बुक नाउ करते ये लीजिए अपना डिटेल्स भरिए और यहाँ पे कर दीजिए, दैट्स इट, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये आपका ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शोरूम भी बिना किसी आदमी के ऑपरेट किए, मीन्स ह्यूमन लेस ऑपरेटिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, ये एक वेबसाइट ही दे सकती है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास इतना बेहतर नहीं है। तो इतने सारे फायदे हमारे वेबसाइट के हैं, अब इसे बनाए कैसे, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक टू हैव द क्वेश्चन, अदरवाइज नाउ वी आर गोइंग अहेड कि अब हम इसे कैसे बनाए। नो सर, एक्चुअली जैसे वेबसाइट के बारे में आई हैव सीन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूट्यूब आल्सो एंड ऑन गूगल आल्सो आई हैव सर्च्ड अ लॉट, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस वर्कशॉप के बाद शायद मेरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाए, लेकिन आई थिंक कि वेबसाइट बनाना एक लेमैन का काम नहीं है, वी नीड सम प्रोफेशनल पर्सन टू मैनेज अवर वेबसाइट एंड टू मेक अवर वेबसाइट, बिकॉज आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स। मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में करता रहता हूँ, तो मैंने जहाँ तहाँ से फ्री वेबसाइटें बनाई है, हालांकि उन्होंने वर्क नहीं किया। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे गूगल पे जाके, वो सर वो तो 10-5 मिनट में वेबसाइट बन जाती है, वहाँ लिखा होता है कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाओ, और गूगल का पेज मैंने वहाँ पे लिंक डाला तो उन्होंने गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ले ली और हमारी वेबसाइट बना दी। ये वेबसाइट बनाई आप, ये देखें ये वेबसाइट जिसमें ऑनलाइन स्टोर पूरा। सर ये तो इतनी औसम है कि ये तो अच्छे अच्छे जो वेबसाइट डेवलपर है उनको फेल कर रही है। और ये मैंने खुद, मैंने कभी वेबसाइट बनाना नहीं सीखा, मुझे वेबसाइट बनाने का डब्ल्यू नहीं आता, ठीक है सर। सर तभी तो आप हमें सिखा रहे हैं सर, आपको डब्ल्यू नहीं आता था और आपने वेबसाइट बना दी। तो मैंने इसी साल बनाई है, मुझे जब मैं जनवरी में मैं बहुत दिन से वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहा था, जब मैंने इसको बनाने के लिए शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता डेटा क्या रखूंगा, एंड यू वुड नॉट बिलीव, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, मुझे महीनों लगे इस बात में कि मैं रखूंगा क्या, मेरे पास डेटा ही नहीं है, और इतना सारा डेटा था पर मैंने वेबसाइट की फॉर्म में कभी उसको शेप नहीं किया। तो मैंने क्या किया, पहले अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई, पूरा एक्सपेरिमेंट किया ऑनलाइन, और करने के बाद इस वेबसाइट पे अभी तक मैंने मुश्किल से 1100 रुपए खर्च किए। जो भी 1100 में एक डोमेन खरीदा मैंने, 700 कुछ रुपए उसने 2 साल के मेरे से डोमेन के लिए, वो भी मैंने महंगा खरीदा था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था, बट 700 रुपीज में मेरे को 2 साल का डोमेन आ गया, और 342 या 29 रुपीज में पूरे साल की मुझे बिक्स ने मतलब ये वेब बिल्डिंग और होस्टिंग दोनों फ्री, मतलब 329 रुपीज कुछ ऐसा था। इतना रुपया प्लस 700 रुपए मेरे डोमेन के, उन दोनों पे मैंने लगाने के बाद आप ये देखेंगे इतनी इन डेप्थ करीब 20-25 पेजेस की ये वेबसाइट है, और सारे सिक्योरिटी फीचर्स उस पर अवेलेबल हैं आप, और इंक्रिप्शन पूरी अवेलेबल है। ये सारी की सारी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, और मैं ये कहता हूँ आपसे बढ़िया वेबसाइट बनाने वाला आदमी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप कंटेंट को बहुत बेहतर जानते हो अपने को, सिर्फ टेक्निकली आपको आजकल, पहले बहुत सारी इन डेप्थ जाके कोडिंग करनी थी वेबसाइट के लिए, आजकल वो कोडिंग नहीं करनी, अगर कोई डेवलपर यूज करो आप तो कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मैं आज आपको बता देता हूँ ऐसे डेवलपर्स जहां पर जाके आप अपने हाथ पैर मार के अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो चलते हैं इसमें, सबसे पहले मैंने जहां बनाई है वो बता देता हूँ, ये bix.com है और ये है bix.com, आजकल ये थोड़ी महंगी हो गई है, अभी ये पैसे ज्यादा ले रहे हैं,
लास्ट ईयर इन्होंने बहुत कम पैसे में मेरे को ये प्रोविजन दिया था। bix.com में जाने के बाद आपको इतना इजी है, जैसे मैं यहां से एक नई वेबसाइट बना रहा हूं, क्रिएट न्यू वेबसाइट, यहां आप गए क्रिएट न्यू वेबसाइट, देखो कितना इजी है। कौन सी वेबसाइट चाहिए हमें? बिजनेस, डिजाइनर, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड, फिटनेस, फोटोग्राफी, इवेंट, ये कैटेगरी है इसकी। इनमें से किसी एक कैटेगरी की आप वेबसाइट ले लें। तो मैंने लिया बिजनेस। अब इसने मुझे कहा कि आप, जैसे आप बता रहे थे अभी, कि एक तो आप इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो, ये अपने आप आपकी वेबसाइट बना देगा, और एक आप खुद डिजाइन करो। तो ये तो बस 5 मिनट लगाएगा आपकी वेबसाइट बनाने में, और अगर खुद डिजाइन करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो मैं इसमें स्टार्ट नाउ, इसको विक्स ADI बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिजाइन इंटरफेस, ADI पर गए तो ADI कुछ चीजें पूछता जाएगा और आप फट से यस, ये पूछ रहा है एंटर योर बिजनेस और वेबसाइट टाइप। तो बिजनेस है एजुकेशन, या आप में से कोई अपना माइक खोल के मुझे बोलता चलेगा तो मुझे, मैं आपकी वेबसाइट का एक डेमो इसमें कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ आपको सर, कंपनी का नाम बता दूं क्या पहले या डोमेन बता दूं सीधा? नहीं, मुझे सिर्फ ये कि आपकी क्या सर्विस क्या है सर? हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट, एजुकेशनल हुआ, चलिए मैं कोचिंग, कोचिंग फॉर्म हुई, कैटेगरी ले ली, बुकिंग, ऑनलाइन स्टोर, चैट, ब्लॉग, वीडियो, इवेंट, इंस्टाग्राम, प्राइस प्लान, म्यूजिक, चलो इसमें से नेक्स्ट। बिजनेस नेम बता दो कोई। सर डेक्स्टर कैलीग्राफी। बेसिकली वी आर इनटू टू बिजनेसेस, सो आप बता। फर्स्टली लेट्स Dexter Calligraphy. Yes, yes. And sir, existing website, I don't have any website. ठीक है, कोई बात नहीं. Next, Dexter Calligraphy. कोई logo हो तो आप logo डाल सकते हो. और theme ली मैंने यहाँ से. Fresh, deep forest, minimal, elegant, luxury. Minimal ली मैंने. अब ये यहाँ से आपको होम पेज का डिजाइन पिक कर सकते हैं हम यहाँ से, और चलिए मैंने ये ले लिया। अब यहाँ से ये रेडीमेड कहेगा, आप यहाँ से सर्विसेज ऐड कर लो, अबाउट मी पेजेस ले लो, यानी अबाउट सर्विसेज, ये पेज ऐड कर दिया, सर्विसेज क्या क्या है वो पेड पेज ऐड कर दिया, टेस्टिमोनियल्स जहाँ लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला हो वो पेज बहुत अच्छा रहता है, और कॉन्टेक्ट का पेज ऐड कर दिया, अपकमिंग इवेंट्स का पेज ऐड कर दिया, बस दैट्स इट। पैकेज एंड रेट्स अगर आप चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये लीजिए। अब आपके पेज हो गए, होम पेज का आपने डिजाइन ले लिया था, अब ये आपके पेजेस को डिजाइन पे ले जाएगा, आप वहां अपना डेटा लिखो, ये लीजिए आपकी Dexter Calligraphy बन गई। यहाँ आप लोगो डाल सकते हो लाके, Dexter Calligraphy आ गई, यहाँ फिर भी नाम चेंज करना है,
कोई टैगलाइन डालनी है तो इसके नीचे टैगलाइन डाल सकते हैं. राइट गुड फील गुड. चलिए जी ये हो गया. लोगो हो तो यहाँ से लोगो इंसर्ट कर सकते हो. फोन नंबर कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं. ये 6 पेजेज आपके यहाँ बन गए. यहाँ आप अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकते हो. कोई इमेज आपके पास है यहाँ से किसी भी इमेज को आप चेंज करके ला सकते हो. एक अच्छी वेबसाइट जो है वो हमारे व्यूअर्स को एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट देती है और जो के अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन योर टारगेट क्राउड विच मे बी कस्टमर्स एट टाइम. आज अगर उनको सेंस ऑफ इंटरेस्ट मिला, उनको उनको मजा आया, उनको देख के अच्छा लगा, तो आज नहीं कल वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे. वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी देती है. जिन लोगों की वेबसाइट है वहां पर कस्टमर्स के रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, उससे लोगों में क्रेडिबिलिटी बनती है कि ये लोग ठीक हैं, काम कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं है और इनसे पहले भी लोगों ने काम लिया है. अगर ऐसी बातें हैं तो वो आदमी को थोड़ा विश्वास जागृत होता है. तो ये आपके गुड इंप्रेशन देती है क्रेडिबिलिटी का. इट गिव्स द इंप्रेशन दैट योर कंपनी इज बिगर एंड मोर सक्सेसफुल देन इट मे एक्चुअली बी. अब एक और फायदा इसका ये है कि ये रीच मैक्सिमाइज करती है. पूरी दुनिया में आज 7 अरब लोग हैं, यानी इतनी पॉपुलेशन है जिसमें से 1,10,000 बर्थ जो है हर दिन होती हैं और एक साल में इतने लोग पैदा होते हैं. इतनी सारी पॉपुलेशन में आपको जैसे ओसीन में एक बबल हुआ, एक ड्रॉप हुई, उस ड्रॉप को कैसे ओसीन के लोग जानेंगे, ये बहुत आसान है एक वेबसाइट से. जहाँ पूरे ओसीन में आपकी भले एक बबल है पर उस बबल को पूरे ओसीन में से कोई कहीं से भी सर्च मारेगा तो फट से बबल आउट हो जाती है, फट से बबल आउट हो जाएगी. कोई ड्रॉप बबल आउट हो जाए, हर आदमी कभी भी अपनी कन्वीनियंस पर सर्च मारे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है. तो आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है वेबसाइट से. इसके और भी क्या एडवांटेज हैं, इट अलाउ यू टू सी हाउ मेनी विजिटर्स आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और बिजनेस. इट अलाउज यू टू एडवर्टाइज योर बिजनेस और प्रोडक्ट. एडवर्टाइजिंग ऑन योर साइट ऑन द इंटरनेट इज चीपर देन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट. बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता. इट कैन बी यूज इन कंजंक्शन विद अदर मीडिया. इसे किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, लिंक्डइन के साथ, किसी के साथ आप जोड़ सकते हो. और सबसे बढ़िया फायदा 24 hours, 7 days, 3 और पूरा 52 weeks. कभी भी 24 आवर्स पूरे साल में कोई भी क्लिक करे और उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी. इसका शटर कभी नहीं गिरता, ये हमेशा ओपन रहती है. कस्टमर्स इस पे आपके फीडबैक दे सकते हैं, जेन्युइन फीडबैक आ सकता है आपका. यानी और अगर किसी से आपका बिजनेस कार्ड खो जाए तो वो ऑनलाइन आपको सर्च कर सकता है. इतना बढ़िया ऑप्शन है. इट पोर्ट्रेज योर कंपनीज लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म. आप कैसे काम करते हैं ये बात ये ऑनलाइन बताती है. और ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है. इससे आप सर्वेज कर सकते हो, पोल्स कर सकते हो. इतने सारे फायदे हैं. इस पर ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन बेच सकते हो. जैसे ये हमारी वेबसाइट आप देखेंगे, यहां से आप पीपल ट्रेनर सर्च किया, हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से परचेज कर लो. आप हैसल फ्री परचेज है. यहाँ से आप बुक नाउ करो, देखो बुक नाउ किया, जितनी इंफॉर्मेशन हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको नहीं बताएगा उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये आपको दे देगा. ये पूरी क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, कितनी क्लासेस होंगी, जूम पर होंगी, रिकॉर्डेड लेसन होगा, टेलीफोनिक सपोर्ट होगा, मनी बैक गारंटी है, ऑनलाइन बुकिंग करो, इतना पैसा है, ये अकाउंट मैनेजर है और इस डेट को शुरू होगा, इस डेट को ख़त्म हो जाएगा और पूरी क्लासेस के शेड्यूल, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, ये देखिए. माय गॉड, एवरीथिंग इज देयर. जो क्लास होगी वो भी वहाँ उसने बता दी. अब हमें और क्या बचता, फिर जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी एवरीथिंग इज देयर.
in case we got satisfied, we have to click on book now. और book now करते ये लीजिए अपना details भरिए और यहाँ pay कर दीजिए. That's it. आपका purpose solve हो गया. तो ये आपका online shop, online store, online showroom ही बिना किसी आदमी के operate किए means human less operating for sales and marketing. ये एक website ही दे सकती है और दूसरा option हमारे पास इतना बेहतर नहीं है. तो इतने सारे फायदे हमारे वेबसाइट के हैं, अब इसे बनाएं कैसे? इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक टू हैव द क्वेश्चन, अदरवाइज नाउ वी आर गोइंग अहेड कि अब हम इसे कैसे बनाएं. नो सर, एक्चुअली जैसे वेबसाइट के बारे में आई हैव सीन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन YouTube आल्सो एंड ऑन Google आल्सो आई हैव सर्च्ड अ लॉट. लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस वर्कशॉप के बाद शायद मेरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाए, लेकिन आई थिंक कि वेबसाइट बनाना एक लेमैन का काम नहीं है. वी नीड सम प्रोफेशनल पर्सन टू मैनेज अवर वेबसाइट एंड टू मेक अवर वेबसाइट, बिकॉज आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स. मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में करता रहता हूँ, तो मैंने जहां तहां से फ्री वेबसाइटें बनाई है, हालांकि उन्होंने वर्क नहीं किया. तो सर, एम आई राइट और रॉन्ग? कहां से बनाई सर? कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे गूगल पे जाके, वो सर वो तो 10-5 मिनट में वेबसाइट बन जाती है. वहाँ लिखा होता है कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाओ, और गूगल का पेज मैंने वहाँ पे लिंक डाला तो उन्होंने गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ले ली और हमारी वेबसाइट बना दी. ये वेबसाइट बनाई आपने? देखिए ये वेबसाइट जिसमें ऑनलाइन स्टोर पूरा. सर ये तो इतनी ऑसम है कि ये तो अच्छे अच्छे जो वेबसाइट डेवलपर है उनको फेल कर रही है. और ये मैंने खुद, मैंने कभी वेबसाइट बनाना नहीं सीखा, मुझे वेबसाइट बनाने का W नहीं आता. ठीक है सर? सर तभी तो आप हमें सिखा रहे हैं सर, आपको W नहीं आता था और आपने वेबसाइट बना दी. तो मैंने इसी साल बनाई है. मुझे जब मैं जनवरी में मैं बहुत दिन से वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहा था, जब मैंने इसको बनाने के लिए शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता डेटा क्या रखूंगा. एंड यू वुड नॉट बिलीव, ये बिल्कुल फैक्ट बात है. मुझे महीनों लगे इस बात में कि मैं रखूंगा क्या, मेरे पास डेटा ही नहीं है. और इतना सारा डेटा था पर मैंने वेबसाइट की फॉर्म में कभी उसको शेप नहीं किया. तो मैंने क्या किया, पहले अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई, पूरा एक्सपेरिमेंट किया ऑनलाइन, और करने के बाद इस वेबसाइट पे अभी तक मैंने मुश्किल से 1100-1100 रुपए खर्च किए. जो भी 1100-1100 में एक डोमेन खरीदा मैंने, 700+ रुपए उसने 2 साल के मेरे से डोमेन के लिए, वो भी मैंने महंगा खरीदा था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था. बट 700 रुपीज में मेरे को 2 साल का डोमेन आ गया, और 342 या 329 रुपीज में पूरे साल की मुझे बिक्स ने मतलब ये वेब बिल्डिंग और होस्टिंग दोनों फ्री, मतलब 329 रुपीज कुछ ऐसा था. इतना रुपया प्लस 700 रुपए मेरे डोमेन के, उन दोनों पे मैंने लगाने के बाद आप ये देखेंगे इतनी इन डेप्थ करीब 20-25 पेजेस की वेबसाइट है, और सारे सिक्योरिटी फीचर्स उस पर अवेलेबल हैं आप, और इंक्रिप्शन पूरी अवेलेबल है. ये सारी की सारी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है, और मैं ये कहता हूँ आपसे बढ़िया वेबसाइट बनाने वाला आदमी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप कंटेंट को बहुत बेहतर जानते हो अपने को. सिर्फ टेक्निकली आपको आजकल, पहले बहुत सारी इन डेप्थ जाके कोडिंग करनी थी वेबसाइट के लिए, आजकल वो कोडिंग नहीं करनी. अगर कोई डेवलपर यूज करो आप तो कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो मैं आज आपको बता देता हूँ ऐसे डेवलपर्स जहां पर जाके आप अपने हाथ पैर मार के अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो. तो चलते हैं इसमें. सबसे पहले मैंने जहां बनाई है वो बता देता हूँ, ये bix.com है, और ये है bix.com. आजकल ये थोड़ी महंगी हो गई है, अभी ये पैसे ज्यादा ले रहे हैं. लास्ट ईयर इन्होंने बहुत कम पैसे में मेरे को ये प्रोविजन दिया था. bix.com में जाने के बाद आपको इतना इजी है, जैसे मैं यहां से एक नई वेबसाइट बना रहा हूं, क्रिएट न्यू वेबसाइट. यहां आप गए क्रिएट न्यू वेबसाइट, देखो कितना इजी है. कौन सी वेबसाइट चाहिए हमें? बिजनेस, डिजाइनर, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड, फिटनेस, फोटोग्राफी, इवेंट, ये कैटेगरी है इसकी. इनमें से किसी एक कैटेगरी की आप वेबसाइट ले लें. तो मैंने लिया बिजनेस. अब इसने मुझे कहा कि आप, जैसे आप बता रहे थे अभी, कि एक तो आप इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो, ये अपने आप आपकी वेबसाइट बना देगा, और एक
आप खुद डिजाइन करो, तो ये तो बस 5 मिनट लगाएगा आपकी वेबसाइट बनाने में, और अगर खुद डिजाइन करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा। तो मैं इसमें स्टार्ट नाउ, इसको विक्स एडीआई बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिजाइन इंटरफेस, एडीआई पर गए तो एडीआई कुछ चीजें पूछता जाएगा और आप फट से यस, ये पूछ रहा है एंटर योर बिजनेस और वेबसाइट टाइप। तो बिजनेस है एजुकेशन, या आप में से कोई अपना माइक खोल के मुझे बोलता चलेगा तो मुझे, मैं आपकी वेबसाइट का एक डेमो इसमें कर देता हूं। मैं बता देता हूं आपको सर, कंपनी का नाम बता दूं क्या पहले या डोमेन बता दूं सीधा? नहीं, मुझे सिर्फ ये कि आपकी क्या सर्विस क्या है सर? हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट, एजुकेशनल हुआ, चलिए मैं कोचिंग, कोचिंग फॉर्म हुई, कैटेगरी ले ली, बुकिंग, ऑनलाइन स्टोर, चैट, ब्लॉग, वीडियो, इवेंट, इंस्टाग्राम, प्राइस प्लान, म्यूजिक, चलो इसमें से नेक्स्ट। बिजनेस नेम बता दो कोई। सर डेक्स्टर कैलीग्राफी। Basically, we are into two businesses. So, firstly, let's Dexter Calligraphy. Yes, yes. And sir, existing website, I don't have any website. ठीक है, कोई बात नहीं. Next, Dexter Calligraphy. कोई logo हो तो आप logo डाल सकते हो. और theme ली मैंने यहाँ से. Fresh, deep forest, minimal, elegant, luxury. Minimal ली मैंने. अब ये यहाँ से आपको होम पेज का डिजाइन पिक कर सकते हैं हम यहाँ से, और चलिए मैंने ये ले लिया। अब यहाँ से ये रेडीमेड कहेगा, आप यहाँ से सर्विसेज ऐड कर लो, अबाउट मी पेजेस ले लो, यानी अबाउट सर्विसेज, ये पेज ऐड कर दिया, सर्विसेज क्या क्या है वो पेड पेज ऐड कर दिया, टेस्टिमोनियल्स जहाँ लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला हो वो पेज बहुत अच्छा रहता है, और कॉन्टेक्ट का पेज ऐड कर दिया, अपकमिंग इवेंट्स का पेज ऐड कर दिया, बस दैट्स इट। पैकेज एंड रेट्स अगर आप चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये लीजिए। अब आपके पेज हो गए, होम पेज का आपने डिजाइन ले लिया था, अब ये आपके पेजेस को डिजाइन पे ले जाएगा, आप वहां अपना डेटा लिखो, ये लीजिए आपकी डेक्स्टर कैलीग्राफी बन गई। यहाँ आप लोगो डाल सकते हो लाके, डेक्स्टर कैलीग्राफी आ गई, यहाँ फिर भी नाम चेंज करना है, कोई टैगलाइन डालनी है तो इसके नीचे टैगलाइन डाल सकते हैं, राइट गुड फील गुड। चलिए जी ये हो गया, लोगो हो तो यहाँ से लोगो इंसर्ट कर सकते हो, फोन नंबर कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं। ये 6 पेजेज आपके यहाँ बन गए, यहाँ आप अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकते हो, कोई इमेज आपके पास है यहाँ से किसी भी इमेज को आप चेंज करके ला सकते हो।
एक अच्छी वेबसाइट जो है वो हमारे व्यूअर्स को एक सेंस ऑफ इंटरेस्ट देती है, और जो के अ सेंस ऑफ इंटरेस्ट इन योर टारगेट क्राउड विच मे बी कस्टमर्स एट टाइम। आज अगर उनको सेंस ऑफ इंटरेस्ट मिला, उनको उनको मजा आया, उनको देख के अच्छा लगा, तो आज नहीं कल वो आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट होंगे। वेबसाइट आपकी क्रेडिबिलिटी देती है, जिन लोगों की वेबसाइट है वहाँ पर कस्टमर्स के रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, उससे लोगों में क्रेडिबिलिटी बनती है कि ये लोग ठीक हैं, काम कर रहे हैं, फ्रॉड नहीं है, और इनसे पहले भी लोगों ने काम लिया है। अगर ऐसी बातें हैं तो वो आदमी को थोड़ा विश्वास जागृत होता है, तो ये आपके गुड इंप्रेशन देती है क्रेडिबिलिटी का। इट गिव्स द इंप्रेशन दैट योर कंपनी इज बिगर एंड मोर सक्सेसफुल देन इट मे एक्चुअली बी। अब एक और फायदा इसका ये है कि ये रीच मैक्सिमाइज करती है। पूरी दुनिया में आज 7 अरब लोग हैं, यानी इतनी पॉपुलेशन है, जिसमें से 1,10,000 बर्थ जो है हर दिन होती हैं, और एक साल में इतने लोग पैदा होते हैं। इतनी सारी पॉपुलेशन में आपको जैसे ओसीन में एक बबल हुआ, एक ड्रॉप हुई, उस ड्रॉप को कैसे ओसीन के लोग जानेंगे, ये बहुत आसान है एक वेबसाइट से, जहां पूरे ओसीन में आपकी भले एक बबल है, पर उस बबल को पूरे ओसीन में से कोई कहीं से भी सर्च मारेगा तो फट से बबल आउट हो जाती है, फट से बबल आउट हो जाएगी। कोई ड्रॉप बबल आउट हो जाए, हर आदमी कभी भी अपनी कन्वीनियंस पे सर्च मारे, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है वेबसाइट से। इसके और भी क्या एडवांटेज हैं, इट अलाउ यू टू सी हाउ मेनी विजिटर्स आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और बिजनेस। इट अलाउज यू टू एडवर्टाइज योर बिजनेस और प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग ऑन योर साइट ऑन द इंटरनेट इज चीपर देन प्रिंट एडवर्टाइजमेंट, बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता। इट कैन बी यूज इन कंजंक्शन विद अदर मीडिया, इसे किसी के भी साथ कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, लिंक्डइन के साथ, किसी के साथ आप जोड़ सकते हो। और सबसे बढ़िया फायदा 24 hours 7 days 3 और पूरा 52 weeks, कभी भी 24 hours पूरे साल में कोई भी क्लिक करे और उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहेगी। इसका सटर कभी नहीं गिरता, ये हमेशा ओपन रहती है। कस्टमर्स इस पर आपके फीडबैक दे सकते हैं, जेन्युइन फीडबैक आ सकता है आपका, यानी, और अगर किसी से आपका बिजनेस कार्ड खो जाए तो वो ऑनलाइन आपको सर्च कर सकता है, इतना बढ़िया ऑप्शन है। इट पोर्ट्रेज योर कंपनीज लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आप कैसे काम करते हैं ये बात ये ऑनलाइन बताती है, और ये आपको एक कॉम्पिटिटिव एज देती है, इससे आप सर्वेज कर सकते हो, पोल्स कर सकते हो, इतने सारे फायदे हैं। इस पर ऑनलाइन सेल कर सकते हो, आप ऑनलाइन बेच सकते हो, जैसे ये हमारी वेबसाइट आप देखेंगे, यहां से आप पीपल ट्रेनर सर्च किया, हमारा कोई भी प्रोडक्ट यहां से परचेज कर लो, आप हैसल फ्री परचेज है, यहां से आप बुक नाउ करो, देखो बुक नाउ किया, जितनी इंफॉर्मेशन हमारा कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपको नहीं बताएगा उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन ये आपको दे देगा। ये पूरी क्या क्या पढ़ाएंगे आपको, कितनी क्लासेस होंगी, जूम पर होंगी, रिकॉर्डेड लेसन होगा, टेलीफोनिक सपोर्ट होगा, मनी बैक गारंटी है, ऑनलाइन बुकिंग करो, इतना पैसा है, ये अकाउंट मैनेजर है, और इस डेट को शुरू होगा, इस डेट को ख़त्म हो जाएगा, और पूरी क्लासेस के शेड्यूल, कौन से दिन कौन सी क्लास होगी, ये देखिए, माई गॉड, एवरीथिंग इज देयर। जो क्लास होगी वो भी वहाँ उसने बता दी। अब हमें और क्या बचता, फिर जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, एवरीथिंग इज देयर, इन केस वी गॉट सेटिस्फाइड वी हैव टू क्लिक ऑन बुक नाउ, और बुक नाउ करते ये लीजिए अपना डिटेल्स भरिए और यहाँ पे कर दीजिए, दैट्स इट, आपका पर्पस सॉल्व हो गया। तो ये आपका ऑनलाइन शॉप, ऑनलाइन स्टोर, ऑनलाइन शोरूम भी बिना किसी आदमी के ऑपरेट किए, मीन्स ह्यूमन लेस ऑपरेटिंग फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, ये एक वेबसाइट ही दे सकती है, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास इतना बेहतर नहीं है। तो इतने सारे फायदे हमारे वेबसाइट के हैं, अब इसे बनाएं कैसे, इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लाइक टू हैव द क्वेश्चन, अदरवाइज नाउ वी आर गोइंग अहेड कि अब हम इसे कैसे बनाएं। नो सर, एक्चुअली जैसे वेबसाइट के बारे में आई हैव सीन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन YouTube आल्सो,
एंड ऑन गूगल ऑल्सो आई हैव सर्च अ लॉट. लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस वर्कशॉप के बाद शायद मेरा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाए. लेकिन आई थिंक कि वेबसाइट बनाना एक लेमैन का काम नहीं है. वी नीड सम प्रोफेशनल पर्सन टू मैनेज अवर वेबसाइट एंड टू मेक अवर वेबसाइट. बिकॉज आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स. मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में करता रहता हूँ, तो मैंने जहां तहां से फ्री वेबसाइटें बनाई है, हालांकि उन्होंने वर्क नहीं किया. तो सर एम आई राइट और रॉन्ग? कहां से बनाई सर? कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे गूगल पे जाके, वो सर वो तो 10-5 मिनट में वेबसाइट बन जाती है. वहाँ लिखा होता है कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाओ. और गूगल का पेज मैंने वहाँ पे लिंक डाला, तो उन्होंने गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ले ली और हमारी वेबसाइट बना दी. ये वेबसाइट बनाई आपने, देखें ये वेबसाइट जिसमें ऑनलाइन स्टोर पूरा. सर ये तो इतनी औसम है कि ये तो अच्छे अच्छे जो वेबसाइट डेवलपर है उनको फेल कर रही है. और ये मैंने कभी वेबसाइट बनाना नहीं सीखा. मुझे वेबसाइट बनाने का W नहीं आता. ठीक है सर. सर तभी तो आप हमें सिखा रहे हैं सर. आपको W नहीं आता था और आपने वेबसाइट बना दी. तो मैंने इसी साल बनाई है. मुझे जब मैं जनवरी में मैं बहुत दिन से वेबसाइट बनाने का प्लान कर रहा था. जब मैंने इसको बनाने के लिए शुरू किया तो मुझे ये नहीं पता डेटा क्या रखूंगा. एंड यू वुड नॉट बिलीव, ये बिल्कुल फैक्ट बात है. मुझे महीनों लगे इस बात में कि मैं रखूंगा क्या, मेरे पास डेटा ही नहीं है. और इतना सारा डेटा था पर मैंने वेबसाइट की फॉर्म में कभी उसको शेप नहीं किया. तो मैंने क्या किया, पहले अपने नाम से एक वेबसाइट बनाई, पूरा एक्सपेरिमेंट किया ऑनलाइन. और करने के बाद इस वेबसाइट पे अभी तक मैंने मुश्किल से 1100-1100 रुपए खर्च किए. जो भी 1100-1100 में एक डोमेन खरीदा मैंने, 700 कुछ रुपए उसने 2 साल के मेरे से डोमेन के लिए, वो भी मैंने महंगा खरीदा था, मेरा पहला एक्सपीरियंस था. बट 700 रुपीज में मेरे को 2 साल का डोमेन आ गया. और 342 या 329 रुपीज में पूरे साल की मुझे बिक्स ने मतलब ये वेब बिल्डिंग और होस्टिंग दोनों फ्री, मतलब 329 रुपीज कुछ ऐसा था. इतना रुपया प्लस 700 रुपए मेरे डोमेन के, उन दोनों पे मैंने लगाने के बाद आप ये देखेंगे इतनी इन डेप्थ करीब 20-25 पेजेस की वेबसाइट है. और सारे सिक्योरिटी फीचर्स उस पर अवेलेबल हैं आप, और इंक्रिप्शन पूरी अवेलेबल है. ये सारी की सारी वेबसाइट मैंने खुद बनाई है. और मैं ये कहता हूँ आपसे बढ़िया वेबसाइट बनाने वाला आदमी कोई हो नहीं सकता, क्योंकि आप कंटेंट को बहुत बेहतर जानते हो अपने को. सिर्फ टेक्निकली आपको आजकल, पहले बहुत सारी इन डेप्थ जाके कोडिंग करनी थी वेबसाइट के लिए, आजकल वो कोडिंग नहीं करनी. अगर कोई डेवलपर यूज करो आप तो कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती. तो मैं आज आपको बता देता हूँ ऐसे डेवलपर्स जहां पर जाके आप अपने हाथ पैर मार के अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो. तो चलते हैं इसमें. सबसे पहले मैंने जहां बनाई है वो बता देता हूँ, ये bix.com है. और ये है bix.com. आजकल ये थोड़ी महंगी हो गई है, अभी ये पैसे ज्यादा ले रहे हैं. लास्ट ईयर इन्होंने बहुत कम पैसे में मेरे को ये प्रोविजन दिया था. bix.com में जाने के बाद आपको इतना इजी है, जैसे मैं यहां से एक नई वेबसाइट बना रहा हूं, क्रिएट न्यू वेबसाइट. यहां आप गए क्रिएट न्यू वेबसाइट, देखो कितना इजी है. कौन सी वेबसाइट चाहिए हमें, बिजनेस, डिजाइनर, ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, रेस्टोरेंट, फूड, फिटनेस, फोटोग्राफी, इवेंट, ये कैटेगरी है इसकी. इनमें से किसी एक कैटेगरी की आप वेबसाइट ले लें. तो मैंने लिया बिजनेस. अब इसने मुझे कहा कि आप, जैसे आप बता रहे थे अभी, कि एक तो आप इसको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो, ये अपने आप आपकी वेबसाइट बना देगा. और एक आप खुद डिजाइन करो, तो ये तो बस 5 मिनट लगाएगा आपकी वेबसाइट बनाने में, और अगर खुद डिजाइन करोगे तो ये थोड़ा टाइम लेगा. तो मैं इसमें स्टार्ट नाउ, इसको विक्स ADI बोलते हैं, ऑटोमेटिक डिजाइन इंटरफेस. ADI पर गए तो ADI कुछ चीजें पूछता जाएगा और आप फट से यस, ये पूछ रहा है एंटर योर बिजनेस और वेबसाइट टाइप. तो बिजनेस है एजुकेशन. या आप में से कोई अपना माइक खोल के मुझे बोलता चलेगा तो मुझे, मैं आपकी वेबसाइट का एक डेमो इसमें कर देता हूँ. मैं बता देता हूँ आपको सर. कंपनी का नाम बता दूं क्या पहले, या डोमेन बता दूं सीधा? नहीं, मुझे सिर्फ ये कि आपकी क्या सर्विस क्या है सर. हमारी हैंडराइटिंग इंप्रूवमेंट.
एजुकेशनल हुआ, चलिए मैं कोचिंग कोचिंग फॉर्म हुई, कैटेगरी ले ली, बुकिंग, ऑनलाइन स्टोर, चैट, ब्लॉग, वीडियो, इवेंट, इंस्टाग्राम, प्राइस प्लान, म्यूजिक, चलो इस पे से नेक्स्ट। बिजनेस नेम बता दो कोई। सर डेक्स्टर कैलीग्राफी। बेसिकली वी आर इनटू टू बिजनेसेस, सो बता। फर्स्टली लेट्स डेक्स्टर कैलीग्राफी। यस यस। एंड सर एग्जिस्टिंग वेबसाइट, आई डोंट हैव एनी वेबसाइट। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, डेक्स्टर कैलीग्राफी, कोई लोगो हो तो आप लोगो डाल सकते हो। और थीम ली मैंने यहाँ से, फ्रेश, डीप फॉरेस्ट, मिनिमल, एलिजेंट, लक्सरी, मिनिमल ली मैंने। अब ये यहाँ से आपको होम पेज का डिजाइन पिक कर सकते हैं हम यहाँ से, और चलिए मैंने ये ले लिया। अब यहाँ से ये रेडीमेड कहेगा, आप यहाँ से सर्विसेज ऐड कर लो। अबाउट मी पेजेस ले लो, यानी अबाउट सर्विसेज, ये पेज ऐड कर दिया। सर्विसेज क्या क्या है वो पेड पेज ऐड कर दिया। टेस्टिमोनियल्स, जहाँ लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला हो वो पेज बहुत अच्छा रहता है। और कॉन्टेक्ट का पेज ऐड कर दिया, अपकमिंग इवेंट्स का पेज ऐड कर दिया, बस दैट्स इट। पैकेज एंड रेट्स अगर आप चाहते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो ये लीजिए। अब आपके पेज हो गए, होम पेज का आपने डिजाइन ले लिया था, अब ये आपके पेजेस को डिजाइन पे ले जाएगा। आप वहां अपना डेटा लिखो, ये लीजिए आपकी डेक्स्टर कैलीग्राफी बन गई। यहाँ आप लोगो डाल सकते हो लाके, डेक्स्टर कैलीग्राफी आ गई। यहाँ फिर भी नाम चेंज करना है, कोई टैगलाइन डालनी है तो इसके नीचे टैगलाइन डाल सकते हैं। राइट गुड फील गुड। चलिए जी ये हो गया। लोगो हो तो यहाँ से लोगो इंसर्ट कर सकते हो, फोन नंबर कुछ लिखना है वो लिख सकते हैं। ये छह पेजेज आपके यहाँ बन गए। यहाँ आप अपनी इमेज को रिप्लेस कर सकते हो, कोई इमेज आपके पास है यहाँ से किसी भी इमेज को आप चेंज करके ला सकते हो। एक फॉर्म है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को खुद ही बना सकते हैं, और यहाँ हमने ये अपने सारे एसेट्स को हमने रिप्लेस कर लिया, जो एक्सप्लेनेटरी एसेट्स पड़े हैं बाय डिफॉल्ट, इनकी जगह हमने अपना जो भी डेटा है वो लगा लिया। जो अनवांटेड इमेज है, जो अनवांटेड सेक्शन है उसको रिमूव कर दिया। जो आपको लगता है एडिशनल सेक्शन मुझे चाहिए उसको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ आपके पास ये ऊपर ऐड ऑप्शन है, देखिए सबसे ऊपर ऐड सेक्शन टू पेज या पेज ही ऐड करना है, दोनों कर सकते हो। डिजाइन में थीम चेंज करनी है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, एनिमेशन चेंज करना है, वो यहाँ अवेलेबल है आपके पास। ये करने के बाद जब आप इसे ठीक करते जाएं
और फिर यहाँ प्रीव्यू देखते जाए, आपको ये प्रीव्यू दिखाता जाएगा। आपकी वेबसाइट कैसी दिखाई देगी ये देखिए, आपकी वेबसाइट का ये सॉवर लुक आ रहा है। यहाँ आप अगर कंटेंट चेंज कर देंगे तो ये आपकी बातें दिखाई देंगी। यहाँ बहुत सिंपल टेक्स्टर कैलीग्राफी राइट गुड फील गुड, और यहाँ आपके पेजेज हैं, ये होम पेज है आपका। अबाउट मी के पेज में जाके सेम वे आप यहाँ चेंज कर दोगे तो ये अबाउट मी आ जाएगा। सर्विसेज में चेंज कर दोगे सर्विसेज आ जाएगी। टेस्टिमोनियल में चेंज कर दोगे टेस्टिमोनियल आ जाएगा, यानी किस आदमी ने आपको कोई सर्टिफिकेट दिया, आपको जो टेस्टिमोनियल मिले हैं लाके यहाँ रख दो। आप अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ डाल दो और अपकमिंग इवेंट्स पैकेज एंड रेट्स। ये 7 पेज का आपका वेबसाइट तैयार है। इस वेबसाइट को आपको पब्लिश करना है, यहाँ आपको डोमेन लगाना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। तो यहाँ डोमेन अगर आपने खरीद लिया तो आप डोमेन लगा दो, नहीं तो आप यहाँ डेक्स्टर कैलीग्राफी, ये फ्री डोमेन बन गया। जब तक आपकी वेबसाइट तैयार नहीं होती तब तक आप इस फ्री डोमेन पे लगा के उसे चेक कर सकते हो। ये आपकी वेबसाइट को अभी पब्लिश कर देगा। अगर आप डोमेन खरीदना चाहते हैं तो आप मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे डोमेन खरीदने के लिए, वो आप भी बताने वाले हैं आपको, वो भी आप कर सकते हैं। ये लीजिए आपकी वेबसाइट पब्लिश हो गई और ये रही है। अगर ये लिंक डालोगे आप तो आपको उस पर ये वेबसाइट मिलेगी। ये आपका लिंक है, मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूँ इसे। सर आई हैव वन क्वेश्चन दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू राइट नाउ व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, शुड आई आस्क राइट नाउ सर? प्लीज यस प्लीज। ये wix.com में जो हम वेबसाइट बना रहे हैं जैसे GoDaddy है, उसका तो बेनिफिट ये है कि वो हमें डोमेन बेचता है, वो हमें होस्टिंग के लिए स्पेस देता है। Wix वाला हमें ये फ्री में सर्विसेज क्यों दे रहा है सर ये? यस, बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही वाजिब क्वेश्चन आपने पूछा सर। Wix हमें फ्री में सर्विसेज इसलिए दे रहा है कि Wix ने अपनी होस्टिंग फ्री रखी है, समझना। Wix के पास एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये क्या करेगा आपको बहुत आसानी से वेबसाइट बनवा देगा, बहुत हैंडी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वेबसाइट बन गई और आपने खुद बना ली। बनाने के बाद अब ये वेबसाइट Wix के साथ ही रहने वाली है क्योंकि Wix के ही बिल्डर पे बनी है और होस्टिंग भी बाय डिफॉल्ट Wix ही देगा। जब आप इसे अभी रन करोगे तो ये आपसे कुछ पैसे मांगेगा, थोड़े दिन तो आपको इसने बनाने दिया बट फिर ये आपसे होस्टिंग के पैसे मांगेगा जो आप पर मंथ के बेसिस पे या पर ईयर के बेसिस पे इसको पैसे दोगे, रादर वो रीजनेबल प्राइस है। बट आप इसकी वेबसाइट को छोड़ के कभी जा नहीं सकते और इसको इससे कहीं ले जा नहीं सकते। ये आपको ऐसा नशा कराएगा कि आपको बहुत आसानी से वेबसाइट को अच्छी बना सकते हो, सिंपल बना सकते हो, 5 मिनट में अपग्रेड कर सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। उसकी सारी कोडिंग ये करता है, आपको तो सिर्फ इंटरफेस दे देता है जहां पिक एंड ड्रॉप किया और आपने ऐड किया और काम शुरू। बट वेबसाइट इसी के साथ रहेगी, बरसों बरस आपको इसी के साथ रहना पड़ेगा और उसके इसको पैसे मिलेंगे आपसे, तो ये इसका एक बेनिफिट है। दूसरा, डोमेन भी आप यहाँ से खरीद सकते हो, रादर डोमेन कहीं से भी खरीद के इसके साथ जोड़ सकते हो, ये इसका रीजन है सर। आई थिंक इज इट गुड और बैड कि ये हमें अपने साथ ही रखेगा, हम आगे कहीं छोड़कर नहीं जा पाएंगे? इज इट गुड और बैड फॉर अस? और बैड भी है सर, दोनों है। गुड ये है कि आज मुझे कोडिंग नहीं आती तो मुझे बहुत हैंडी वेबसाइट बनाना इसने सिखा दिया, आज मुझे कोडिंग नहीं आती। बट अगर मुझे कोडिंग नहीं सीखनी तो मैं इसके साथ ही रहूंगा, ये मेरे से कभी भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा कि मेरी वेबसाइट को इलीगली बंद कर दे या मेरी वेबसाइट को चलाने नहीं दे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चलाते रहेंगे, ये इसके पास रेवेन्यू आता रहेगा आपसे जब तक रहेंगे। बट आपको चाहिए कि मुझे ऐसी वेबसाइट चाहिए जिस पर मेरा 100% कंट्रोल हो, मैं कभी भी इसको छोड़ के जा सकूं,
मैं उस वेबसाइट को अपने सर्वर पे अपने पास रख सकूं, जिसके राइट्स और किसी के पास कुछ भी नहीं हो। अभी मैं इसके इसके प्लेटफॉर्म में, इसके फार्म हाउस में मैंने छोटा सा एरिया लैंड पे रेंट पे लेके और अपनी वेबसाइट चला रहा हूँ। वहां मेरा अपना ही प्लॉट होगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे जिसके यहाँ मैं उसकी होस्टिंग कर रहा हूँ और चाहे जिसके यहाँ मैं, डोमेन तो मेरे पास होगा ही, होस्टिंग कभी भी बदल सकता हूँ, किसी के यहाँ कराऊं, कितनी भी बैंडविड्थ लूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो वो आप नहीं कर सकते, आप इजीली रन कर सकते हो, ये अच्छा ही है। बुराई ये है कि वेबसाइट में जब आप आगे बहुत एडवांस लेवल पे जाओगे तो उतने एडवांस लेवल्स जब आप कस्टमाइज करोगे तो ये वो प्रोविजन नहीं देगा, होंगे ही नहीं इसके पास। अब इसके पास नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपको इससे अलग जाना पड़ेगा, तब आपको अपनी वेबसाइट जो अभी तक डिजाइन कर रखी है वो एज इट इज वेबसाइट आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर डिजाइन करनी पड़ेगी जाके। यहाँ का कोई कंटेंट रेडीमेड अवेलेबल आपको नहीं होगा सिवाय इमेजेज के। इमेजेज और टेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है उसको आप कहीं डाउनलोड करके दूसरी जगह आपको वापस वही मेहनत फिर करनी पड़ेगी, ये इसका ड्रॉबैक है। यहाँ ये वेबसाइट आपकी तैयार हो गई, आप इस वेबसाइट से अब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अब क्या करना है हमें, ये बनाई हमने वेबसाइट, सर और एक डाउट, जो होस्ट नेम हमारा हम ले लेते हैं ना, तो वो तो अपने साथ ही रहेगा ना। यस, अब मैं वो तीन चीजें बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमारा फिजिकल वर्ल्ड में हमें तीन चीज चाहिए थी, लैंड चाहिए थी, प्रेमिजेज चाहिए था और एक एड्रेस चाहिए था, द सेम वे वर्चुअल वर्ल्ड में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक एड्रेस हायर करना पड़ता है, एड्रेस, एंड दैट इज कॉल्ड डोमेन नेम, जिस नाम से पूरी दुनिया में आपकी रिप्रेजेंटेशन है। जैसे peopletrainers.in, तो .in मेरा नहीं है, peopletrainers तो मेरा है, .in मैंने कहीं से लिया है, तो वो जो peopletrainers.in मुझे नाम मिला, इसको मैंने परचेज किया है, रादर रेंट पे लिया है, एक साल के उसने मेरे से 350 रुपए लिए, अब दो साल के 700 रुपए लिए, अगली बार जब मैं इसको रिन्यू कराऊंगा तो वो मेरे से कम 1200 रुपए लेने वाला है, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं उसको मना कर दूं, क्योंकि मैंने उस पर रेंट पे लिया है, वो जितना मांगेगा देना पड़ेगा। और मैं peopletrainers.in को फिर 3 साल बाद जाके peopletrainers.com नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पूरी दुनिया में फैली हुई होगी, तो तब वो मेरे साथ ये बात, मेरे साथ नेगोशिएशन चलेगी उसकी कि वो मेरे से जो पैसे मांगेगा मुझे उसको देने पड़ेंगे। ये एक आपका एड्रेस है, जैसे हमारा फिजिकल एड्रेस है वैसे ही डोमेन हमारा एड्रेस है, और डोमेन हम दुनिया में किसी से भी परचेज कर सकते हैं, किसी से भी, वी आर फ्री टू परचेज इट फ्रॉम एनीवेयर, बिग से खरीदें, गोडेडी से खरीदें, होस्टिंगर से खरीदें, या हमारे और किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। एक पार्ट हमारा हो गया डोमेन नेम परचेज करना, नेम रेंट पर लेना। अब दूसरा पार्ट है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले अपना अपनी बिल्डिंग क्रिएट करनी है, बिल्डिंग क्रिएट करनी है, और दूसरा उस बिल्डिंग को मुझे कहीं लैंड लेकर रेंट पर उसको उस पर फिक्स करना है। तो लैंड लेनी पड़ेगी और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, तो जो बिल्डिंग बनाना है वो मेरी वेबसाइट की डेवलपमेंट है, और वो जो लैंड, वो वेबसाइट की डेवलपमेंट को मैं रखूंगा कहां, दैट इज होस्टिंग। मैं किसी के सर्वर में इतना स्पेस खरीदूंगा, किसी के सर्वर में इतना स्पेस रेंट पे लूंगा कि वो मेरी वेबसाइट का सारा डेटा वहां रखा जाए, जब भी कोई मेरे डोमेन से सर्च करे तो वो दौड़ के मेरी वहां सर्वर पे जाए और सर्वर मेरा एक कॉपी मेरी वेबसाइट की उसको दे दे। चाहे 1,00,000 लोग, 10,00,000 लोग, 50,00,000 लोग मेरी कॉपी मांगे तो वो सर्वर मेरा फटाफट उनको देता जाए। अब ये होस्टिंग मुझे कहीं लेनी पड़ेगी, तो होस्टिंग मैं उस हिसाब से लूंगा जितने लोग मुझे सर्च करेंगे। अगर मैं अभी नई फर्म खोल रहा हूँ, वेबसाइट नई है, तो मुझे अभी 100, 200, 500, 1000 लोग सर्च करेंगे, तो मैं बहुत बड़ी हाईवे पर उसको होस्टिंग नहीं लूंगा। मैं किसी गली में होस्टिंग ले सकता हूँ जहाँ आसानी से कम पैसे में मुझे होस्टिंग मिल जाए। अगर मेरे को बहुत लाखों लोग सर्च करेंगे तो मुझे हाईवे पर रखना पड़ेगा, यानी हाई बैंडविड्थ की होस्टिंग लेनी पड़ेगी, जहाँ 50,00,000 लोग एक साथ कॉपी मांगे तो बिना वेटिंग के उसको मिल जाए। तो ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं, पहली डोमेन, दूसरी वेबसाइट डेवलपमेंट, तीसरी होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब लैंड रेंट पे लेना,
और वेबसाइट बनाने का मतलब मुझे वो शॉप या शोरूम की बिल्डिंग बनवानी है, वो मेरी अपनी कॉस्ट है, मेरा अपना तरीका है, मैं ही बनवाऊंगा, वो रेंटेड नहीं मिलेगी, वो मुझे ही बनानी है, कस्टमाइज करनी है और एक डोमेन खरीदना है। तो ये तीन चीजें हैं। अब ये जो बिक्स पे मैंने बताया, ये आपको मटेरियल आप दे दो बस उसे, और वो बनाने का तरीका भी यही देता है, वो कहता है लैंड भी हमारी लो और बनवाएंगे भी हम, बनवा भी हम देंगे, सिर्फ आप अपना सामान बता दो क्या क्या कहाँ रखना है, दैट्स इट। और आपको डोमेन भी हम दे देंगे, सब कुछ हमारे यहाँ से दे देंगे, हमें पैसे दो रन करो, दैट्स इट। तो ये रेडीमेड वेयर हाउसिंग है इनकी। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आके अपना डेटा लगाना है, वेबसाइट बनानी है, चल पड़ना है, ये इनका फायदा है। जब आप समझो कि आप टेक्निकल एफिशिएंट हो गए हैं, या फ्यूचर में आपको लगता है कि मुझे अब किसी टेक्निकल की एक्सपर्टाइज की जरूरत है, तब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से निकाल के किसी और प्लेटफॉर्म पे बना लें जिसमें आपके पास राइट्स और ज्यादा बढ़ जाए। ये वेबसाइट बनाने का एक सबसे ईजी तरीका है Bix.com। इसके अलावा दूसरा एक और ऑप्शन है, अगर इससे भी इजी चाहिए आपको, तो आप सिंपल अपने गूगल पे जाओ, आपका अपना गूगल अकाउंट, जैसे ये मेरा गूगल अकाउंट है, यहां आप गूगल जी सूट में जाओ, साइट्स ऑप्शन पड़ा है गूगल साइट्स, या ऊपर टाइप कर दो गूगल साइट्स, गूगल आपको वेबसाइट बनाने का ऑप्शन देता है। यहां जाने के बाद एक सिंपल वेबसाइट आप यहां से बना सकते हो। यहां बहुत सारी टेम्पलेट्स पड़ी हैं, इनमें से किसी को भी एक को लिया, यहां आपने अपना डेटा फिल किया, होम शेड्यूल, चार दो पेज, स्पीकर्स, वेन्यू। मैंने इवेंट की वेबसाइट ली है, तो ये इवेंट की वेबसाइट में चार पेज वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है। यहां आप देखेंगे पेजेज चार हैं, अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, यहां से डुप्लीकेट कर सकते हो, सब पेज बना सकते हो। और अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है, टेक्स्ट बॉक्स, इमेज, एम्बेड, यानी जो कुछ आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, बटन, डिवाइडर, कैलेंडर, मैप, जो कुछ चाहो वो जहां इस पेज में आप रखना चाहोगे वहीं वो रख देगा। किसी इमेज को चेंज करना चाहोगे, इमेज चेंज कर देगा, और इस ऑलरेडी बने हुए डिजाइन पर अपना डेटा लगाओ और आप अपनी वेबसाइट बनाओ। कोई भी थीम चेंज करनी है, ये यहाँ से बहुत सारी थीम्स आपको देता है, जिनमें से कोई भी थीम आप चेंज कर देंगे और यहां जाकर इसको पब्लिश कर दो। पब्लिश करने पर आप या तो अपना कोई वेब एड्रेस दे दो इसको, नहीं तो ये आपको आपका वेब एड्रेस दे देगा। या तो आप अपना कोई वेब एड्रेस दे दो, कुछ भी, ये मान लिया आपको डेक्स्टर कैलीग्राफी। अब ये क्या करेगा, गूगल साइट्स डॉट गूगल डॉट कॉम ऑब्लिक व्यू ऑब्लिक डेक्स्टर कैलीग्राफी करके इसने एक वेबसाइट बना दी। ये लीजिए, ये वेबसाइट आपकी बन गई, व्यू करो। अब ये डेक्स्टर कैलीग्राफी के नाम से आप जब भी इसको सर्च मारोगे ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं इसको आपके ग्रुप में डाल देता हूं। अगर आपको ये अपने नाम से चाहिए प्योर, ये साइट डॉट गूगल डॉट कॉम हटाना है या bixsite.com हटानी है, तो आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा। और डोमेन खरीदने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है, सबसे पहले GoDaddy यहां से खरीद सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन है, बिग रॉक है नीचे किसी से भी, है होस्टिंगर है, या domain.com है, name.com है, आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, गूगल से भी खरीद सकते हैं। आपको अगर यहां से डेक्स्टर कैलीग्राफी.com चाहिए, सर्च करो, अगर इसके पास .com होगा तो बता देगा,
ये कह रहा है dextercalligraphy.com अवेलेबल है, 199 रुपए में अवेलेबल है, आप आज ही परचेज करो, 199 में ये अवेलेबल है, इससे बढ़िया और ले लीजिए साहब आप तो 199 से और कोई नहीं है इसमें। यहां से आप ऑनलाइन पे करो, ये सर्च करो, ये सर्च करने के बाद ये आपको उसके कुछ इनसाइट देगा, कुछ कोऑर्डिनेट्स देगा, उन कोऑर्डिनेट्स को लेके आप अपनी जहां भी वेबसाइट बनाई है वहां उनको फिक्स कर दोगे, जैसे ही फिक्स कर दोगे तो इस वाले डोमेन पे आपकी वो वेबसाइट लाइव हो जाएगी। जैसे मैंने पीपल ट्रेनर्स गोडैडी से लिया और उसको वेबसाइट पर जाके बिक्स पर जाके और उसको मैंने वहां जोड़ दिया, वो बहुत इजी है, आप यहां से जैसे ही लोगे ये यहां से कुछ इनपुट्स देगा और इनपुट देके वो वहां जुड़ जाएंगे, तो आपकी वेबसाइट इस डोमेन पर। जैसे आपकी वेबसाइट पे तो आप चार्जेस भी लेते हैं, आपने पेमेंट गेटवे उस पे लगाया हुआ है, तो wix.com की जो होस्टिंग है, जो उसका सर्वर है, वो सेफ है सर इतना कि वो पेमेंट के साथ कुछ गड़बड़ ना करे? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं करता, एक्चुअली पेमेंट का उनके पास राइट्स ही नहीं होते, और पेमेंट मेरी जहां जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट का गेटवे अलग से थर्ड पार्टी गेटवे होता है उसमें, तो इसमें बिक्स का अपना कोई रोल नहीं है। और हमने क्या किया, मेन मेन्यू में गए, एक्सेप्ट पेमेंट्स, ये देखिए, अब यहाँ बिक्स की लिमिटेशन है, बिक्स यहाँ तक काम करेगा कि पेमेंट गेटवे को अटैच कर देगा, ये आपकी पेमेंट को ले जा नहीं सकता कहीं भी। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक थर्ड पार्टी गेटवे को हायर किया, यानी मैंने उनको कांटेक्ट किया, वहाँ अकाउंट बनाया हुआ है, और वहाँ अकाउंट बनाने के बाद उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ एंटर कर दी मेरे थर्ड पार्टी को, तो बिक्स ने बस फैसिलिटेट कर दिया कि मुझे उससे कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इंटरनेशनल पेमेंट लेनी है मुझे तो मैंने पेपाल को ले लेना नीचे, और डोमेस्टिक लेनी है तो मैंने यहाँ ले लिया। अब जब भी मेरी कोई पेमेंट होगी तो आपको पता नहीं चलेगा, बिक्स मुझे सीधे थर्ड पार्टी से कनेक्ट करेगा, जैसे यहाँ होम पे गए, मैंने यहां से परचेज बटन दबाया, पहले अभी तक मैं बिक्स पे हूं, अब मैंने ये जैसे ही बुक नाउ किया, अब बुक नाउ करने के बाद यहां मैं जो इंफॉर्मेशन फिल करूंगा, पे नाउ, अब ये यहां मैं सीधे उस थर्ड पार्टी के पास गया, उसकी आइडेंटिटी नहीं दिखाई दे रही है यहां, बट मैं सीधे अब उस थर्ड पार्टी के पास हूं, और यहां जैसे ही मैं पे करूंगा तो पेमेंट थर्ड पार्टी के पास जाएगी, और थर्ड पार्टी इमीडिएट एक ईमेल मुझे भेजेगी, एक ईमेल पेयर को भेजेगी, दोनों को ईमेल विद ऑल द कॉन्टेक्ट चली जाएगी, और अगले 48 आवर्स में बाय डिफॉल्ट मेरे अकाउंट में पेमेंट सेटल हो जाएगी। तो आपका पेमेंट गेटवे बहुत परफेक्टली काम करता है, कोई एक भी इश्यू नहीं होता कि जहां पेमेंट आपकी इधर उधर, आज तक हमारी तो कहीं हुई नहीं। सर पेमेंट में क्या ऑप्शन लेना चाहिए कि कमीशन कस्टमर को लगे या कमीशन हमें लगे? हाँ, दोनों ऑप्शन है। देखिए, अब अगर आपको लगता है कि जब कस्टमर को पेमेंट लगता है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है उसको, कस्टमर को भले ही बोल के आप बता दो कि भाई आप इतने पैसे हैं, तो देने के टाइम पे वो 2 रुपए फालतू देगा, बट अगर उससे एडिशनल मांगते हैं तो फिर आप उसे लिख दो प्लस टैक्सेस। तो अब क्या करते हैं, जैसे एक थर्ड पार्टी है पेयू मनी, तो पेयू मनी क्या करेगा, वो आपके में से काट के देगा, आपने जितने भी कस्टमर से लिए उसमें से 2% काट के आपको सेटल करेगा। अगर मैं रेजर पे उस पर जाता हूँ, इंस्टामोजो पे, इंस्टामोजो क्या करेगा, वो 3% एक्स्ट्रा कस्टमर से लेगा,
तो और कस्टमर को भी 2% 3% में कोई इश्यू नहीं होता, अगर आपने कम्युनिकेट कर दिया है प्लस टैक्सेस तो आपको कोई इश्यू नहीं है। जनरली बेटर पार्ट ये होता है कि कस्टमर को जितना लिखा जाए उतना ही उससे चार्ज किया जाए, तो उसको एक सोच का मौका नहीं मिलता कि ये तो और फालतू ले रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। आप यहाँ ऑनलाइन पेमेंट लगा सर जी, ये जो पेमेंट ऑप्शंस है ना अभी, क्रेडिट कार्ड या ये सब आप जब हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिक आ जाता है क्या? यस, ऑल विल कम ऑटोमेटिकली, यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग फॉर दिस। वो पेमेंट गेटवे अपने आप मैनेज करता है, वो इसी बात के पैसे लेता है आपसे 2%। वो पे यू मनी और गूगल पे, फोन पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस को देता है पेयर को। पेयर किसी भी ऑप्शन से उसको पे कर सकता है और वो आपको सेटल कर देगा। तो वो हैसल फ्री पेमेंट सर्विसेज है, कहीं भी आपको इश्यू नहीं होगा। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर अभी ये ऐसा जो वेबसाइट्स बनाते हैं तो हमारा वेबसाइट में कुछ हैकिंग होना या ये सब हो जाएगा? वेबसाइट में हैकिंग होने का एक SSL सर्टिफिकेशन होता है। यहाँ देखेंगे आप, मेरी ये वेबसाइट है तो यहाँ एक ये लॉक लगा हुआ है। ये लॉक लगा हुआ है मीन्स ये SSL सर्टिफिकेशन है, ये सेफ है, सिक्योर है। वो सिक्योर सर्टिफिकेशन लेना होता है हमें। अगर वो सिक्योर सर्टिफिकेशन लिया है तो आपको हैकिंग वैकिंग जनरली नहीं होती, जब तक कोई बहुत एडवांस हैकिंग ना करे। अदरवाइज वो सेफ्टी जो फीचर्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं आपकी वेबसाइट पर। क्योंकि ये सब पैसा का मामला है ना, तो इसमें बाई चांस कोई आके दूसरा कुछ कर रहा है, पता नहीं ना क्या 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 हो सकता है। पैसे को कोई नहीं छेड़ सकता, बिकॉज द मोमेंट पेमेंट हैज डन, वो पेमेंट आपको पास नहीं आई है ना वेबसाइट के पास आई है, दैट पेमेंट हैज बीन डन इन द अकाउंट ऑफ अ थर्ड पार्टी, जो आपका पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे की वेबसाइट इतनी सिक्योर है कि वहां से कोई आपकी पेमेंट को उड़ा नहीं सकता, वहां से कोई पेमेंट नहीं उड़ा सकता। तो ये वेबसाइट तो सिर्फ उसका इंटरफेस पे करती है, वो सिर्फ फैसिलिटेट कर देगी कि वो आपके व्यूअर को वहां से जोड़ देगी पेमेंट गेटवे के साथ, दैट्स इट। आपकी पेमेंट कहीं भी नहीं जाती इसमें से। सर ये SSL सर्टिफिकेट कहां से लें? SSL वेबसाइट, एनी लिंक? हां, SSL सर्टिफिकेट जब आप होस्टिंग लेते हो ना तो वो उसके साथ बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, या आप एडिशनल जब आप होस्टिंग ले रहे हो तो वो एडिशनल वहां मिल जाएगा, वो चॉइस है। और जैसे सर जी, तो उसके लिए एडिशनल पैसा पे करना पड़ता है? नहीं, बस बाय डिफॉल्ट तो ही जनरली उसी में होता है, उसका पार्ट होता है एक फीचर। अगर एडिशनल होगा तो हार्डली कुछ 50-100 रुपए मुश्किल से होता है, अदरवाइज कोई ज्यादा महंगा नहीं होता। सर जैसे आपकी जो वेबसाइट है ना, उसमें मैंने आई हैव रेड द कंटेंट एंड इट इज वेरी ब्यूटीफुली रिटन, ठीक है? तो सर जो कंटेंट है, अगर कंटेंट राइटिंग के लिए इफ आई वांट एनी एडिशनल सर्विसेज, तो उसके लिए व्हाट शुड वी डू कि वो प्रॉपर सजा सके? बिकॉज़ आई हैव द आइडिया, आई हैव कंटेंट, बट दैट इज नॉट इनटू द प्रॉपर फॉर्म। देखिए, मैं व्हाट शुड आई डू सर? मैं एक आपको बात बताऊं, अगर कंटेंट राइटिंग को भी दोगे ना आप, तो कंटेंट राइटर क्या करेगा, आपके कॉम्पिटिशन में जो 4-5 कंपनीज होंगी, 4-5 वेबसाइट का डेटा एक बार स्टडी कर लेगा, और करने के बाद द वे द पीपल हैव डेकोरेटेड एंड पुट देयर डेटा ओवर देयर, सो ही विल ट्राई टू पुट इट इन दैट पर्टिकुलर वे। तो आप भी क्या करोगे, आपने अपने कंपटीशन में जो 2-4 कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट है, आप उसको देख लो और उससे रेफरेंस लेके आप डेटा रख सकते हो। एंड इट इज अ मैटर ऑफ अपग्रेडेशन एंड मींस टाइम टू टाइम, आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा, अरे ये मेरी चीज तो पुरानी लगी, उसकी वेबसाइट पे मैंने देखा बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, ये वाली लाइन मैं ऐसे लिखता हूँ, वो हमेशा चेंज होती रहेगी आप देखोगे। तो ये एक बार बड़ी हेजिटेशन होती है कि मैं पहली बार कैसे जाऊं, जब आप एक बार डेटा ले आते हो वो रोज रिफाइन होता जाता है, और जब आपके पास एडिटिंग राइट होते हैं ना तो खुद किसी को नहीं बोलना पड़ता, डिजाइनर को बोलना पड़ेगा तो वो बड़ा लंबा काम होता है। खुद एडिटिंग राइट है तो लॉगिन किया, फट से लाइन चेंज की, दैट्स इट, सेव हो गया, प्रीव्यू हो गया और चल पड़े आगे। तो ये आप खुद ही कर सकते हो सर, पहले कोशिश करो, आप खुद करो, फिर अगर आपको लगे कि मुझे बहुत प्रोफेशनली कराना है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ कंटेंट राइटर्स, वो अवेलेबल है मार्केट में। वो आई एम हैविंग
Okay, sir. Okay, thank you. I am having one more important question. Like, we are having right now two kind of website. One is called the responsive, static and static and fixed website. Am I right, sir? Static means जहाँ पर हम चीजों को अपने आप से डाल सकते हैं, photos डाल सकते हैं. एंड जो फिक्स वेबसाइट है दैट इज वन जहाँ पर हम बस पेज बन गए हैं, कुछ कर नहीं सकते, उस पर कुछ स्लाइड्स नहीं चला सकते, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे. हाँ, तो देर आर टू काइंड ऑफ वेबसाइट्स. वन इज स्टैटिक. स्टैटिक मींस व्हाटएवर यू हैव पुट वन टाइम, आपने जो पेज पे रख दिया उसको लोग देख सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं. एंड दैट इज वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड टू द पीपल. बट इनकेस यू वॉन्ट a website which can serve as a two-way communication, जहां आपके customer को by choice भी वो data देती हो, या आप उस पर कुछ videos play करें, जहां कुछ movement होती हो. Movement होती हो का मतलब है वो dynamic website है, जहां कुछ न कुछ changes हो रहे हैं उसमें. और एक बटन दबाने से वहां कोई video play हो जाता है, एक बटन दबाने से उसमें gallery आ जाती है. तो ये जो movement है उसमें, ऐसी वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है. और डायनेमिक वेबसाइट जो है जनरली खुद नहीं बनाई जाती, उसमें कोडर की या डिजाइनर की हेल्प ली जाती है. बट ये जो बिक्स पे जो मैंने बताया, यह डायनेमिक वेबसाइट भी आप खुद ही बना सकते हो. तो वो डायनेमिक फीचर भी अवेलेबल होते हैं इनके रेडीमेड, तो आपको वहां भी वो इजीली बना सकते हो. रादर आजकल डायनेमिक वेबसाइट का चलन ज्यादा है. So, static websites तो सिर्फ शुरू करने के लिए, इन्हीं से लिए आप static website बनाएं. Otherwise, my opinion ये है कि आप dynamic websites पे जाएं. Dynamic website सर, Wix जी, please बोलिए सर. जी, dynamic website अच्छी लगती है और ये सारे platforms पे dynamic बनती है. यानी ये है 123.com है, Weebly.com है, बहुत सारे platforms आप search करोगे वहाँ पर website बनाई जा सकती. हमसे ये ऑप्शन देता है हमें कि हम स्टैटिक बनाएं या डायनेमिक बनाएं? हाँ, बिल्कुल, दोनों ऑप्शन मिलते हैं. सर, अभी जब अपना वेबसाइट में है ना, चैट का जो ऑप्शन है, जो कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो चैट हम लोग से कर सकते हैं? वो एक एडिशनल फीचर होता है एक्चुअली. वो एडिशनल फीचर आप लगा सकते हैं और उसकी पूरी एक साइंस है कि अगर आप सिंपल चैट ऑप्शन लगा रहे हो जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपने पहले बता दिए उसको और वही वो पूछेगा, वही वो आंसर देगा. ये स्टैटिक चैट होती है. एक एनएलपी चैट होती है जहां आदमी कुछ भी पूछ सकता है और सिस्टम उसका बहुत लॉजिकल आंसर देगा. तो वो एक एनएलपी चैट होती है, वो एडिशनल होता है और वो डिजाइन ही कराना पड़ता है. रादर उसके क्वेश्चंस डिजाइन बहुत तरीके से करने पड़ते हैं, बट यू कैन डू दैट. तो वो विक्स में हो जाएगा? बड़े बड़े कंपनीज करते थे. मैंने विक्स में वो किया नहीं है. नहीं हो जाएगा? मैंने विक्स में किया नहीं है. वो एनएलपी चैटिंग होती है, ऑटोमेटिक होती है, ठीक है. मैंने अभी तक वो नहीं की है, बट इट इज पॉसिबल. विक्स कितना पार्ट उसका अलाउ करती है वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा. ओके ओके. उस तरह एक सवाल है सर. जी प्लीज. Singham से, you are telling that we do have competitors who have the similar websites. Yes. जब कोई नेट पे सर्च करता है, लाइक हमारा वेबसाइट सबसे पहले आना चाहिए, उसको कैसे करना है? उसके लिए आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, SEO करना पड़ेगा आपको अपनी वेबसाइट को. वो जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, उस तैयार वेबसाइट में आपको उसको सर्च इंजन पर रजिस्टर करना पड़ेगा और कुछ कीवर्ड्स की एक लिस्टिंग तैयार करनी पड़ती है कि इफ समबडी सर्चिंग द वेबसाइट विद दीज पर्टिकुलर कीवर्ड्स, देन माय वेबसाइट शुड कम ओवर देयर इन प्रायोरिटी. जब वो SEO होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो थर्ड जब आप बना लोगे और डायनेमिक बना लोगे, जब रन करोगे, तब आपका टाइम आएगा कि आप अपनी वेबसाइट को SEO करो. तो Wix.com SEO बहुत इजीली करने देता है. वहीं अगर आप WordPress का जाओगे तो आपको प्लगइन खरीदना पड़ता है, उस प्लगइन कीवर्ड लगाने पड़ते हैं, तब वो प्लगइन इंटरफेस करता है आपका सर्च इंजन के साथ.
ओके तो मैं ये फैसिलिटी कहाँ से खरीदना है? SEO से? नहीं, अगर आप बिक्स पे बना रहे हो तो आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, बिक्स ऑटोमेटिक ऑप्शन दे देता है। बिक्स आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन देगा, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, जस्ट अ मिनट ओपन कर रहा हूं। आप आज गूगल साइट्स पर, आज का असाइनमेंट ये है कि गूगल साइट्स पर आप अपना बिक्स का एक, नहीं गूगल साइट्स पर या बिक्स पर, और अगर बेटर है दोनों पर ही आप हाथ आजमाओ, तो एक 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 वेबसाइट के दो वर्जन आप यहां तैयार करें। मैं आपको बता रहा हूँ अभी बिक्स कैसे आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कराता है। इट इज टाइम टेकिंग एक्सरसाइज। मीनवाइल किसी की कोई और क्वेरी हो तो बता दें, ये ओपन होने में टाइम लेगा। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये हो गया। ओके ग्रैब, ये देखिए, ये जैसे मुझे होम पेज को अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है तो यहां SEO गूगल, ये SEO गूगल में जाके मैंने यहां एक कीवर्ड लिख दिया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर कॉर्पोरेट्स। अगर कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर कॉर्पोरेट्स लिखेगा तो मेरी वेबसाइट वहां आ जानी चाहिए। ऐसे करके मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन यहां फिल कर दी, इस इंफॉर्मेशन को उसने सर्च इंजन पर रजिस्टर कर दिया। अगर मुझे एडवांस SEO जाना है तो मैं, और यहां मेरे पास ऑप्शन है, एडवांस SEO का मतलब मुझे मेटा टैग्स तैयार करने हैं, और वो मेटा टैग्स मैं तैयार कर दूंगा तो उनसे मेरी वेबसाइट सर्च में आ जाएगी। जैसे हम गूगल पर गए, आप जब भी पीपल ट्रेनर्स अलग अलग वर्ड भी लिखोगे तो ये आपको फट से गूगल पर सबसे पहली सर्च हमारी वेबसाइट आएगी, ये देखो टॉप पर आ रही है। तो आप, अब इसमें क्या हुआ कि ये जितने भी ये वीडियोस अबाउट PT कॉर्पोरेट, ये सब मैंने सर्च, इन पेजेस को सर्च इंजन से कनेक्ट किया हुआ। जब सर्च इंजन से कनेक्ट किया है तो ये साथ साथ, अदरवाइज क्या होता है, ये वाला पेज मेरा होम पेज आ जाता और ये नहीं आते। तो मैंने पेजेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, तो कोई एजुकेशन ढूंढे तो भी आए, डिजिटल मार्केटिंग ढूंढे तो भी आए, फ्री बुक्स ढूंढे तो भी आए, कॉर्पोरेट ढूंढे तो भी आए। अब कॉर्पोरेट ढूंढेगा तो मुझे पता नहीं कौन से पेज पे आएगा सर्च इंजन के, बट आएगा। बट पीपल ट्रेनर्स दो वर्ड अगर किसी ने ढूंढे तो ये पहले पेज पे आ रहा है। आई थिंक अब क्लियर है आपको। आज का योर वेबसाइट नेम इज वेरी वेरी यूनिक, योर वेबसाइट नेम इज वेरी यूनिक। Yes, thank you, sir. Thank you. Sir, एक सप्लीमेंट्री है जी, सप्लीमेंट्री है, अगर मेरा एरिया से कोई सर्च कर रहे हैं तो अब मेरा एरिया से मेरे को ये क्लिक आ जाए, वो कैसा? आपके लाइक तेलंगाना से, आई डोंट वांट एनीवन हु इज सर्चिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, तो पॉसिबल है क्या? नहीं तक नहीं इसमें आइडिया, पर मैं आपकी बात नोट कर लेता हूं। अगर कोई टेक्निकल पॉसिबल, श्योर आई विल रिवर्ट यू सर। अभी तक मेरे पास कोई अपडेशन ये नहीं है कि आप नेट पे किसी ने आपके एरिया से ही किया तो आपके पास आ जाए। मेरा सवाल है सर, LIC एजेंट बनना है बोल के मेरा एरिया में कोई टाइप करता है तो मेरा वेबसाइट पे आ जाना, तो वो कैसे करूं? LIC एजेंट बनना है तो आप उसमें लिंक रख दो ना, अगर आपने कहीं एड रन, ना सर, अगर मेरा एरिया से तेलंगाना से दूसरा स्टेट से मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। तो मेरे पास राइट नाउ कोई सॉल्यूशन इसका अभी नहीं है, बट आई थिंक फॉर इट, अगर कोई टेक्निकल पॉसिबिलिटी है तो आई लेट यू नो सर। ठीक है सर, और कोई क्वेश्चंस अगर वेबसाइट से रिलेटेड है तो प्लीज आप जरूर हमें रखिएगा, ग्रुप में आप रख दें
और उसके बाद आज नो लेट इट बी ओपन फॉर इंडिया बट देन दोस पीपल सर्चिंग फॉर द सेम वर्ड्स दैट इज अ पार्ट ऑफ एसईओ okay like SEO. Sir told anybody if ask for the corporate trainer then sir website will come if anybody ask for the website training digital training so it is a part of SEO if I am not wrong okay sir ka wifi aa raha hai sir are you there sir wifi wapas aa gaya aur ab ek agli dusri class hai whatsapp telegram mastery ki wo ek free webinar chal raha hai aap sab log agar judna chahte ho to usme jude aur अगर कोई वेबसाइट से रिलेटेड और क्वेरी है तो प्लीज आप ग्रुप में रख दीजिएगा और हम उस पर खूब डिस्कशन करेंगे मैं आपके इस टॉपिक पर एसईओ की डेप्थ में अगर कोई एरिया स्पेसिफिक अगर कुछ निकलता है तो आई विल गो और मैं आपको फिर बताऊंगा ठीक है और ये कोर्स हमारा